हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले दो वीडियोस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कर चुके हैं। अभी ये जो वीडियो जो मैं करने जा रहा हूँ, दिस इज़ पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया, नाउ अभी हम करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो हियर इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम है, इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि व्हाट इज मोमेंटम। ओके, देखिए, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दो बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं, उन्हीं से आप समझ जाएंगे। तो एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एक एग्जांपल है कि अगर एक क्रिकेट बॉल है जो बहुत ही अगर किसी बैट्समैन ने शॉट मारा है, अगर वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है तो साइज़ छोटा है, वेट बहुत कम है, लेकिन जब बैट्समैन उसको हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है कि जब वो आके किसी स्पेक्टेटर को, जो व्यूअर्स हैं जो ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखने आए हैं, अगर उनमें से किसी को आके हिट करती है तो बहुत इंजर्ड करती है। यू हैड सीन, यू कैन इजिली सीन इन सेवरल प्रीवियस मैचेस कि ऐसा होता है कि जब वो बॉल आके हिट करती है तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनमें से अगर किसी के वो सिर में लग जाती है तो बड़ी सीवियर इंजरी होती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ दैट, कि ये तो था एक छोटी सी बॉल थी और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही थी। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि एक ट्रक है अगर कोई, और वो कहीं रोड के साइड में कहीं पार्क किया हुआ है, देन ओके, आप उसके पास से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही ट्रक बहुत ही स्लो स्पीड से ऑन रोड आ रहा है और उसको सामने से अगर कोई व्हीकल हिट करता है, ट्रक बहुत ही स्लो वेलोसिटी से है, बहुत ही स्लो वेलोसिटी से, इस चीज़ को समझो। जब हम बॉल का एग्जाम्पल ले रहे थे, बॉल बहुत छोटी थी, उसका वेट बहुत कम था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक कर रही थी। अभी क्या है, अभी जो ट्रक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्रक बहुत ही स्लो स्पीड से आ रहा है, लेकिन अगर उसमें आगे से या किसी और साइड से उसमें कोई व्हीकल अगर स्ट्राइक करता है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड इम्पैक्ट आता है उस व्हीकल के ऊपर जो उसे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी बहुत कम है बट जो ट्रक का मास है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन दो एग्जाम्पल से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वन इज़ मास एंड अदर इज़ वेलोसिटी। ठीक है, इधर मास बहुत ज़्यादा हो तब भी बहुत जोर से हिट होता है, इम्पैक्ट जो है बहुत ज़ोर का होता है, एंड अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और मास कम भी है तब भी जो हिट है या इम्पैक्ट है वो बहुत जोर का होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, यू वुड लिसन अबाउट 2.5 किलो का हाथ, ओके, सनी देओल। तो उसमें क्या होता है, अगर 2.5 किलो का हाथ मारने के लिए अगर जो हिट करता है हीरो, वो पीछे से हाथ को लेके आता है। सो यहाँ पर वो 2.5 किलो का हाथ इतना इफेक्टिव क्यों है? रीज़न, मास ऑफ दैट पंच, वो 2.5 किलो है एंड उसके अलावा वो पीछे से वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों अगर इतनी अच्छी हैं तो इम्पैक्ट भी अच्छा होगा, है ना? अच्छा एग्जांपल, मूवीज़ देखते हो थोड़ा बहुत, उसमें साइंस भी ऐड कर लिया करो, दोनों काम हो जाएंगे, एन्जॉयमेंट भी और स्टडी भी। तो चलिए देखते हैं कि जो मोमेंटम है ये टर्म डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी पे। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो मोमेंटम को डिनोट किया जाता है वो स्मॉल लेटर पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में, इट इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अभी आप सीनियर क्लासेस में हो गए हैं, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट एम वी लिख देता हूँ, इट मीन दीज टू क्वांटिटीज़ आर इन मल्टीप्लिकेशन, साइन की ज़रूरत नहीं होती है, एंड समटाइम बीच में एक पॉइंट लगा दिया जाता है, दिस इज़ ऑल्सो डिनोट्स की ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये हो गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला, अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट मास को हम केजी में मेजर कर रहे हैं और वेलोसिटी को
मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर देखिए यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके, अब एक और चीज देखते हैं कि अगर, अब इससे आगे थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, जो P इक्वल टू एम इंटू वी आ गया, एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया हुआ है, दैट इज अगर कोई एक व्हीकल है वो स्टेशनरी है, वो रुक गया है, समटाइम यू कैन यू सी दैट कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं अगर रोड पे रुक जाते हैं, कोई स्कूल बस रुक गई है या कोई भी व्हीकल जब रुक जाते हैं तो कुछ लोग उसको पीछे से पुश कर रहे होते हैं। वाई वो वहाँ पर पुश क्यों कर रहे होते हैं? रीज़न इज कि जब कोई व्हीकल अगर रुक जाता है, कोई भी गाड़ी का जब इंजन होता है उसको कुछ स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए इंजन को स्टार्ट होने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी के अंदर सेल्फ होती है, जो हम जब हम कीज जब गाड़ी में लगाते हैं तो उसकी जो बैटरी होती है वो उसको स्टार्टिंग टॉर्क देती है, इंजन को पहली बार एक बार रोटेट करना पड़ता है इंजन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जो इंजन का जो साइकिल होता है ना, ऑटो साइकिल, उसको स्टार्ट करने के लिए उसको स्टार्टिंग एक टॉर्क देना पड़ता है। तो वो नॉर्मली तो जब बैटरी होती है तो उससे वो स्टार्टिंग टॉर्क उसको मिल जाता है, पावर मिल जाती है स्टार्टिंग। लेकिन अगर किसी व्हीकल के अंदर बैटरी डाउन हो जाती है या किसी और रीज़न से उसको स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, उस गाड़ी को पुश करते हैं। जब गाड़ी को पुश करते हैं उसके व्हील्स जो होते हैं वो रोटेट होते हैं, तो वो बिकॉज वो सारा का सारा लिंकेज जो होता है विद द इंजन होता है, तो इंजन को स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के जो आता है वो ये है कि लेट्स से कि अगर कोई व्हीकल बंद है, उसको जब एक या टू, वन और टू पर्सन जब उसको पुश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये तो नहीं है कि जैसे ही उन्होंने पुश करना स्टार्ट किया साथ ही साथ जो व्हीकल है वो स्टार्ट हो जाए। नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब वो पर्सन्स उसको पुश करते रहते हैं कंटिन्यूटी में कुछ टाइम के लिए, तब जाके उसको स्टार्टिंग जो मोमेंटम चाहिए होता है वो मिलता है इंजन को, एंड इंजन स्टार्ट हो जाता है और व्हीकल जो है वो मूव करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो मैं शायद बताना मिस कर गया कि हमने जो प्रीवियस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था, हमने वहाँ पे देखा था कि किसी भी चीज़ की जो एक्सेलरेशन है उसको चेंज करने के लिए क्या ज़रूरत है, एक अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अगर गाड़ी को पुश कर रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग जो उसका एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है ना, और ये जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है लोग पीछे से पुश भी कर रहे हैं, एक अनबैलेंस फोर्स भी लगा रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, कि जो अब हम पुश कर रहे हैं तो वो विद रिस्पेक्ट विद द रेट ऑफ टाइम हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनता है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ एक चीजें आई हैं, एक नंबर वन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, ये दो टर्म्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग हम इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसमें इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, पहले हम चेंज ऑफ मोमेंटम बना लेते हैं। तो लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, एंड फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं हर बार, वी, ओके, यू एंड वी, एंड उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, अगर हम कार वाला ही एग्जाम्पल आगे कंसिडर करते हैं, दैट इज एम। तो यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल आ गई और मास आ गया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी से ही डिनोट कर देता हूं मैं यहां पे, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम क्या होगा, That is m into
वी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस एम यू फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा ना चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। दिस इज एम वी माइनस एम यू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम आ गया, हमें चाहिए रेट। रेट यहां पर जो बात हो रही है पर यूनिट टाइम, टाइम के रिगार्डिंग, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये जो मैं पी लिख रहा हूं दिस इज मोमेंटम, ओके। सो यहां पर क्या बन गया, ये चेंज इन मोमेंटम तो था ही हमारे पास और इसको हमने टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा था उसके ये प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स से कि अगर एफ फोर्स लग रहा था, सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये एफ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ओके। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा m बाहर और ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, वो भी कन्वीनियंस है आपकी। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात देखिए, जब भी हम फिजिक्स में कभी भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं तो उस साइन को हटाने के, जब हम उस साइन को हटाते हैं इक्वल का साइन लगाते हैं उसकी जगह पे, तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों लगाना पड़ता है ये थोड़ा सीनियर क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा। रीज़न ये होता है कि जब प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल कभी नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म अगर इंक्रीज कर रही है तो राइट हैंड साइड की टर्म भी इंक्रीज करेगी, लेकिन जब हम यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं तो मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मीनिंग इक्वल कभी नहीं होता, ओके। सो यहाँ पर क्या है, अगर हम इक्वल लगाते हैं तो इक्वल साइन इसको हटा के इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पर कोई एक फैक्टर कॉन्स्टेंट वैल्यू ज़रूर लगानी पड़ती है जिससे कि ये जो वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो कितना हाउ मच टाइम्स जो चेंज आ रहा है वो उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये कांस्टेंट जो टर्म ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है दैट इज के एंड एम जो मैंने कॉमन ले लिया दैट इज वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट यूज होता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के, ये जितने भी लॉज बनते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, इनको इवन डिनोट भी अलग अलग अल्फ़ाबेट से किया जाता है कई केसेस में, मैनी केसेस में। आप जब टेंथ में जाएंगे तब आप साइंस में पढ़ेंगे जैसे ओम्स लॉ के अंदर ओम का सिंबल है या कई और रो का सिंबल आएगा एक, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट होते हैं ये प्री ड्राइव्ड वैल्यू होती है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो के की वैल्यू है ये हम वन पुट कर देते हैं, ठीक है, इफ़ के इज वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ओके स्टूडेंट्स। अब इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है v माइनस यू अपॉन टी, ये हम पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, क्या था ये, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, फर्स्ट चैप्टर जो मोशन था उसमें पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर ये क्या था, ये देखिए v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का एक नया फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स, ठीक है, फोर्स फाइंड करने के लिए। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, जो मास है उसे हम लिखते हैं केजी में और जो एक्सेलरेशन है उसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसकी यूनिट हो गई। एक और यूनिट होती है फोर्स की,
दैट इज कॉल्ड न्यूटन, या तो आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको न्यूटन एन कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखिए ये तो था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फिर अब देखिए कि एक और इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम इसको फर्स्ट लॉ से कनेक्ट करें, ठीक है। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, ठीक है। वो एक अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है तो वो अपनी पोजीशन में एज इट इज रेस्ट में रहेगा, अगर वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो, चलिए एक बार आप इतना ही कर लीजिए, ओके। सब इसको बाद में करेंगे हम। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।